डिजिटल एंटरप्रेन्योर। सो आपने काफी टाइम से मेरी वीडियोस के अंदर भी सुना होगा, मैंने काफी सारे अपने वेबिनार्स के अंदर भी बोला है कि आपको जब पर्सन को 2 से प्लान दे दिया जाता है तो उसको आपने मार्निंग स्ट्रेटेजी को यूज करना है। एंड आपने अपने अपलाइन से भी कई बार पूछा होगा, यार क्या है ये मार्निंग स्ट्रेटेजी, बार बार मतलब बोला तो जाता है क्या स्ट्रेटेजी में। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी आपके ऊपर भी यूज की गई है जब आपका 2 से करवाना था, और उस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है, और उस वजह से आपने एक राइट अपॉर्चुनिटी का डिसीजन भी बनाया है। सो आज विद एग्जांपल विद लाइव आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज दिस मार्निंग स्ट्रेटेजी एंड कैसे आपको इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है अपने प्रोस्पेक्ट्स पे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, व्हेन टू यूज दिस स्ट्रेटेजी एंड व्हाई टू यूज दिस स्ट्रेटेजी। ओके सो अभी मैं आपके साथ पहले शेयर स्क्रीन करके थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। ओके सो होप आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सो द नेम ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज Why the name is money strategy? Because इसको मैंने invent किया, okay? और ये आज से strategy नहीं चल रही, ये बनी थी 2019 में, okay? And अभी तक ये चल रही है strategy. And इसके इस strategy के basis पे आज हमारी team में maximum number of managers भी हैं, maximum number of senior managers भी हैं, maximum number of AS भी हैं, बहुत सारे persons हमारे साथ इस strategy के वजह से daily basis पे join करते हैं. So सो राइट नो, जैसे कि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मैंने अपने दो बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स को, बेस्ट अपने टीम के कुछ पर्संस को मैं इस रिकॉर्डिंग में लेके आया जस्ट फॉर द एग्जांपल, आप सबको एग्जांपल देने के लिए। तो क्या होता है इस स्ट्रेटजी के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ध्यान से अंडरस्टैंड करना एंड इस वीडियो को बार बार आप देखना क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई है। So, like क्या होता है कि दिस इज यू, ओके दिस इज यू। तो जब भी आप किसी पर्सन को 2 से प्लान देते हो, फॉर एग्जाम्पल वन इज ए एंड द अदर वन इज बी। सो ए आपका AS है, मतलब आपका वो पर्सन है जो ऑलरेडी ग्रुप का पार्ट है, मतलब जिसका 2 CC हो चुका है। इनकेस आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो 2 CC जिसका हो चुका हो, तो आप इन द ग्रुप किसी को भी ले सकते हो। At A point you need a assistant supervisor and on B point ये वो person होगा जिसको 2 CC plan मिल चुका है, जिसको आज ही 2 CC plan मिला है, कितने का? 34,000 का। तो क्या होता है जब हम किसी person को 2 CC plan देते हैं, okay? तो जैसे किसी person को 2 CC plan मिलता है तो after the plan क्या होता है, कभी कभी person ना थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार पता नहीं मेरे से हो भी पाएगा कि नहीं, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं कैसे होगा, ये होगा, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं। तो उसी वजह से हमने इसको स्ट्रेटजी को यूज करना है। सो लेट्स सपोज क्या है कि ऋतुषा हमारे साथ है, मिस ऋतुषा फ्रॉम गुजरात एंड मिस्टर गौरंग है हमारे साथ। ओके सो हाय फर्स्ट ऑफ ऑल, सो हाय ऋतुषा, हाय गौरंग। ओके आपको मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ओके सो लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मेरे साथ मिस गौर सॉरी गलत हो गया था है ना, तो मेरे साथ ऋतुषा मैम है। ओके सो ऋतुषा मैम को मैंने 2 CC प्लान दिया, ठीक है जी। तो ऋतुषा मैम को मैंने 2 CC प्लान दिया, तो आफ्टर द प्लान जैसे ऋतुषा मैम को मैंने 2 CC प्लान दिया, ओके तो मैंने मिस्टर गौरंग को कॉल किया। ओके तो गौरंग कौन है? गौरंग वो है जिनको ऑलरेडी 2 CC लेवल पे है, मतलब ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हो चुका है। ओके असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हो चुका है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऋतुषा मैम को कॉल किया एंड कॉल पे मैंने मैम से डिस्कस किया। तो हाय मैम कैसे हो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है? यस सर गुड इवनिंग, मैं बहुत अच्छी, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। तो मैम कैसा रहा अभी तक आपका एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, काफी कुछ सीखने मिला, नॉलेज गेन किया। सेकंडली अगर बात करूं तो फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। दैट्स अमेजिंग। सो आज आपको 2 CC प्लान मिला, तो आपको 2 CC प्लान समझ आया मैम क्या होता है, प्लान क्या करना होता है? ओके अमेजिंग, यस सर समझ में आ गया। इस वजह से आपने पहले कॉलिंग पे मैम को एक बार 2 CC, जो भी आपके पर्सन है प्रोस्पेक्ट है, उन्हें आपने 2 CC प्लान फिर से एक्सप्लेन कर दिया, जो भी आपका प्लान था, जो भी आपका था, वो सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने क्या बोला, ऋतुषा मैम जैसे कि आपको ऑलरेडी 10 डेज हो ही चुके हैं, जितना भी टाइम हुआ है, 7 डेज हुए हैं, 6 डेज हुए हैं, तो मैम अब आपको पता है हमारे साथ डेली बेसिस पे ना बहुत सारे न्यू पर्सन भी आते हैं। ये कौन बोल रहा है, या आप बोल रहे हो? ये मैं बोल के बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपके, मतलब ये चीज आपको बोलनी है अपने पर्सन को, जो भी उनका नाम है ना। तो जैसे कि यहाँ पे अभी हमारे साथ ऋतुषा मैम है, तो उनका नेम लिखे। सो ऋतुषा मैम जैसे कि आपको पता है डेली बेसिस पे बहुत सारे पर्सन हमारे साथ आते हैं न्यू, तो लाइक
काफी सारे पर्सन आते हैं जो काम शुरू करना चाहते हैं, तो जैसे आपको ऑलरेडी 10 डेज हो चुके हैं, तो हमारे साथ ऐसे पर्सन है जिनको जस्ट वन वन डे हुआ है, जैसे अब आपके राइट नाउ, जैसे आपके आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो चुका है ना, आपको भी स्टार्टिंग में जब आप आए थे तो आपको भी डाउट्स हुए होंगे कुछ, एम आई राइट मैम? बिल्कुल, आपको भी डाउट्स हुए होंगे। तो एक लड़का है मैम, जस्ट कल ही आया वो, ओके, एंड उसके ना डाउट्स हैं बहुत सारे, तो मैम आपको ना उसके डाउट्स क्लियर करने हैं, सिंपल आपको क्या है उसके डाउट्स को क्लियर करना है, ठीक है जी, ये मैंने बोल देना है। एंड इस बेसिस पे अब मेरे को कॉल करना है अपने पर्सन को जिसका क्या नाम है गौरव, कौन है वो, ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। अब मैंने गौरंग सर को बोला कि गौरंग सर माइनिंग स्ट्रेटजी करवानी है। नाउ होगा क्या, गौरंग सर को मैंने यूज करना है एज ए न्यू पर्सन विरतुषा मैम के सामने, सो दैट विरतुषा मैम का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो सके। सो मैंने अब गौरंग सर को कॉल किया कि गौरंग सर कैसे हो? हाँ सर एकदम बढ़िया, आप बताओ। गौरंग सर हमारे साथ एक मैम है, ओके, बिल्कुल उनको भी 10 डेज हो चुके हैं एंड उन्हें 2CC प्लान मिला है आज ही, तो आपने उनसे बात करनी है बिगिनर बन के, मतलब बिल्कुल न्यू पर्सन बन के, ओके, एंड मैम से बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछने आपने जो एक न्यू पर्सन को आते हैं, ओके, एंड उस हिसाब से आपने मैम की, लास्ट में जब मैं बोलूंगा कि आपके हिसाब से मैम को कितना टाइम हुआ है, तो आपने ये बोलना है कि 1.5 साल तो हो ही गया होगा। क्या बोलना है गौरंग सर आपने, कि मैम को 1.5 साल तो हो ही गया होगा, ठीक है जी, एंड दैट मोमेंट मैम का फिर रिएक्शन लेना है, ठीक है जी। तो आपने फिर ये भी बोलना है कि मैम मैं बहुत इंप्रेस हुआ आपने जिस वजह से बताया, जिस वजह से एक्सप्लेन किया, वो आपने सारा करना, ओके, ऑल सेट, गौरंग सर प्रिपेयर्ड हो गए। सेम आपकी सिचुएशन में आपने किसको प्रिपेयर किया, आपने अपनी सिचुएशन में किसको प्रिपेयर किया, आपने प्रिपेयर किया अपने अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को। अगर आपके पास अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं है तो आप किसी को भी कर सकते हो, ओके, सो राइट नाउ सेम सिचुएशन है, सभी मर्सद कौन है यहाँ पे, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर डीपली। स्क्रीन आ रही है मेरी सभी को? ओके, सो दिस इज यू, ओके, अभी राइट नाउ हमारे साथ ए में कौन है, गौरंग सर, एंड बी में कौन है, ओके, सो प्रतुषा मैम कौन है मेरे, बिगिनर, जिनको 2CC प्लान मिल चुका है, एंड गौरंग सर कौन है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। एक और फायदा स्ट्रेटजी का, इस फायदे से ये है कि आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर भी एक्टिव हो रहा है, उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। नाउ प्रैक्टिकल करते हैं अब, ओके, सो अब मैंने कॉल किया पहले प्रतुषा मैम को, सो हाय प्रतुषा मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी एक पर्सन से बात करवानी है, तो अभी मैं उनको लाइन पे लेने लगा हूँ, ठीक है मैम, तो आपने ध्यान से समझना, ध्यान से अच्छे से बात करनी है। सो या सो मैंने कॉल किया प्रतुषा मैम को, एंड अब मैंने कॉल किया आगे किसको, गौरंग सर को, ठीक है जी। सो गौरंग सर का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, किसी का कुछ भी नाम रख सकते हैं हम, एक्स वाई जेड, कोई भी मानव, माधव, राम, श्याम, कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपके ऊपर है, अभिषेक रखना चाहते हो, है ना, कुछ भी रखना चाहते हो, ज्यादा बेटर रहता है, इससे ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि पर्सन अगर फेमस है तो उसको पता लग जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, हम गौरंग सर का जो नाम है वो चेंज करके हम रख देते हैं मानव, ठीक है जी, जस्ट हम चेंज करने के लिए रख देते हैं मानव, ओके। सो प्रतुषा मैम, मैं एक मानव सर से आपकी बात करवाने लगा हूँ, जस्ट उनको भी 1 दिन हुआ है, ठीक है जी, तो आपने अच्छे से बात करनी है, ओके प्रतुषा मैम, ओके, या थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ गया मैम के साइड से, या सो या प्रतुषा मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके, तो मृतुषा मैम, आपको जब उनसे मैं कनेक्ट कराऊंगा तो आपने गुड आफ्टरनून करना है, ना कि उन्होंने करना है, आपने उनका हालचाल पूछना है, ठीक है जी। और मृतुषा मैम, एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने अपना टाइम नहीं बताना कि आपको कितना टाइम हुआ है, आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है और जो भी वो अपने क्वेश्चन पूछेंगे वो क्लियर करना है। सो मैं एड कॉल कर रहा हूँ, ओके, सो हाय मानव सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हो सर? बढ़िया, आप? तो मानव सर, आपको जैसे अभी जस्ट वन डे हुआ है, तो मैं ना अभी आपके बहुत ही अमेजिंग लीडर से, बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी से ना कॉल पे बात करवाने लगा हूँ, उनको काफी टाइम हो चुका है, ठीक है जी, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे वो क्लियर कर देंगे, ओके। तो हाय प्रतुषा मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर आ रही है।
ओके सुप्रीतुषा मैम आप बात कर सकते हैं मानव सर से। ओके सर, हेलो मानव, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? हेलो मैम, गुड इवनिंग, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताओगे सबको, सबसे पहले कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो? मैम मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जोधपुर से, एंड मेरी स्टडी चल रही है बीकॉम फर्स्ट ईयर। Okay, that's really great. So, मेरे को जैसे सर ने बताया कि आपने कल दानिक सर का वेबिनार अटेंड किया होगा, तो सबसे बेस्ट 3 पॉइंट्स बताओगे मेरे को क्या लगा आप तक आपको? मैम मेरे को बेस्ट तो 3 पॉइंट्स यही लगे कि सबसे पहले सर की एज बहुत कम है, ठीक है, और उन्होंने अपने पापा को मम्मी को अमेजिंग। सो इस वजह से क्वेश्चंस पूछेगा आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर आपके उस पर्सन से जिसको 2CC प्लान मिल चुका है। अब क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा सकता है मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन आप पूछ सकते हो अपने पर्सन से, मतलब आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर पूछ सकता है कि यहाँ पे किस लेवल की नॉलेज दी जाती है, कौन सी नॉलेज दी जाती है यहाँ पे, फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है, फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे आप पूछ सकते हो अपने पर्सन से, ओके, कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, ट्रेनिंग क्या है, ओके, चैलेंजेस आते हैं कि नहीं आते, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर पूछे। देन काम क्या करना होता है, क्या यहाँ पे फ्यूचर है, यहाँ पे फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये क्वेश्चन को हाईलाइट करके पूछना है आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर ने आपके उस पर्सन से जिससे अभी बात करवाई जा रही है, लाइक नो जैसे तुषार मैम से बात कराई जा रही है जिनको 2CC प्लान मिला हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन को हाईलाइट करके पूछना है ताकि कभी कभी ये जो डाउट होता है ना, कभी कभी उस पर्सन में भी होता है जिसको प्लान मिल गया होता है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। अब जो बंदे को खुद डाउट था, अब वो जो क्लैरिफाई करेगा कि नहीं जी ऐसा नहीं होता, यहाँ पे गूगल पे सर्च करें, यहाँ पे ये करें, तो अगले पर्सन का जो वो चीज है ना वो क्लियर हो जाती है। समझ में बात को, आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे क्या आपने कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे, तो या मैम या सर आप पूछिए क्वेश्चन, यहाँ पे फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। हाँ मैम, लाइक मेरे को कुछ ओवरऑल वेबिनार तो बढ़िया लगा, बाकी मेरे ना थोड़े बहुत क्वेश्चंस कंफ्यूजन था, तो मैम वो आप मेरे को क्लियर कर सकते हो? यस फॉर श्योर, आप पूछो क्या क्वेश्चन है आपको। मैम जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, मतलब मेरे पास ना 3-4 घंटे आई कैन मैनेज, बट अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो मेरे को मेरी स्टडीज तो अफेक्ट नहीं होगी यहाँ पे? नो डियर, फ्रॉड वाला क्वेश्चन पूछे ब्रो। ओके, ये भी पूछ सकते हो, ये भी क्वेश्चन आपका सिस्टम सुपरवाइजर पूछ सकता है, या फ्रॉड वाला क्वेश्चन पूछे ब्रो। सो मैम यहाँ पर लाइक काफी जैसे अभी आपको बताइए मैम ऑनलाइन फ्रॉड वॉड काफी होते हैं, ये सिस्टम पूरा ऑनलाइन, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि मतलब फ्रॉड हो जाएगा मेरे साथ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या कैसे काम करना है, फ्रॉड तो नहीं होगा? ओके, सो बेसिकली देखो फ्रॉड एक चीज है आज के टाइम में, यू आर लिविंग इन द एरा ऑफ 21st सेंचुरी। सो लेट योर स्पीकर स्पीक, मतलब लेट योर पर्सन स्पीक, आपको उसको बुलवाना है, मतलब वो बोल ले, खुद बोल ले, जो आपका प्रोस्पेक्ट है जिसको 2CC प्लान मिल गया हुआ है वो बोल ले बार बार इस चीज के रिगार्डिंग। ओके, लास्ट अब आता है ब्रह्मस्तर, कितने लोगों को पता है ब्रह्मस्तर, है ना, बहुत सारे लोगों को पता होगा ब्रह्मस्तर यूज करने का टाइम आ गया। सो ब्रह्मस्तर क्या है, मैंने अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को बोलना है, हाँ जी मानव सर तो कैसा लगा बात करके सर, मतलब मैम से बात करके तो अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे वैसे मैम ने समझाया। ओके डन डन, तो सर आपके हिसाब से मैम को कितना टाइम हो गया होगा? सर मैम वो आई गेस मेरे हिसाब से मतलब जितना एक्सपीरियंस लगा कम से कम एक सवा साल। एट दिस मोमेंट आपका सर रिएक्शन भी करना है, 1 साल मैम, ब्रदर मानो सर 1 साल क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि सर मैम मैं एक्सपीरियंस लग रहा है, मुझे समझा दिया तो मैं एक तो न्यू पर्सन को एक्सपीरियंस ही समझा सकता है ना। ओके, मतलब मैम ने एक्सप्लेन इतने अच्छे वे से किया, आपको समझाया इतने अच्छे वे से, तो 1 साल, तो मैम का फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको मानव सर? सर मैम तो मैम अभी भी बहुत बढ़िया लेवल पे इनकम पे होंगे मैम, तो काफी मतलब ओके, तो मैम 1 साल हो गया क्या आपको? हाँ जी, या हाँ जी मैम, तो क्या 1 साल हो गया आपको? नो सर, जस्ट 10 डेज हुआ है अभी तो। हैं? मतलब सर मैम को खाली 10 डेज हुआ है? यस सर, बिल्कुल। मानिक सर आप मेरे को बना तो नहीं रहे हो?
तो ब्रदर यही चीज है, जस्ट 10 डेज हुए हैं मैम को, एंड आप देख सकते हो तो 10 डेज में टेन डेज मैम का में कितना कैसे ज्यादा हो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो चुका है। गया, कैसे हो गया मतलब यही तो मैम? सर सिस्टम है ना हमारा, यही तो सिस्टम है। ओके, तो यही सिस्टम है, इसी सिस्टम के हिसाब से आप देख सकते हो ग्रोथ होती है प्लस कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है यहाँ पे जस्ट 10 डेज में। अब आप खुद सोच लो कि अगले 10 डेज में आप कहाँ तक पहुंचोगे। सर मुझे बहुत डर लगता है लोगों से बात करने में, अगर मेरा 10 डेज में सर इससे आधा भी हो रहा है ना, तो प्लीज सर मेरे को ले लो, प्लीज मेरे को सिलेक्ट कर लेना सर, मुझे अमेजिंग बहुत सीखना है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ अब मानव सर का मतलब गौरंग सर का पार्ट खत्म हुआ यहाँ पे। ओके मानव सर, तो आप अपना सिस्टम वेबिनार वगैरह अटेंड करें आज डे 2 का, बाकी ट्रेनिंग से अटेंड करें, जो भी मैं आपको लिंक भेजूँ, बाकी मिलते हैं हम आपको वेरी सुन। ओके नाउ नेक्स्ट प्रोसेस। नाउ अब मेरी बात आगे होगी ऋतुषा मैम सर, जो मेरे कौन थे जिनको मैंने 2 CC प्लान दिया था अभी रिसेंटली। अब मैम आप ही बताओ आपके हिसाब से कैसा होगा मैम का एक्सपीरियंस अभी राइट नाउ, अभी फीलिंग क्या होगी? टॉप ऑफ द स्काई, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वाओ इतना कुछ है मेरे अंदर स्माइल। तो अब मैम से पूछूंगा, हाँ जी मैम, मतलब यस सर, आप सोच रहे हो एक पर्सन ने, इसने क्या बोला, 1 साल हो गया, मतलब इतना अच्छा बिल्कुल एक्सप्लेन किया मैम आपने, मेरे को तो पता ही नहीं था, सर इतना अच्छा आप सारा एक्सप्लेन सारा कर कुछ सकते हो। आपने सिखाया है, तो देख रहे हो सर मैम, आपका काम तो शुरू हो चुका है, बिल्कुल आपने सर इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया पर्सन को, आपका काम तो शुरू हो चुका है, आप तो जल्दी जल्दी अपना लेवल डन करवाओ, काम शुरू करो अपना। बिल्कुल सर, फॉर तो श्योर कब तक करवा लोगे मैम आप अपना 2 CC लेवल डन? सर, विद इन 3 या 4 डेज में। वाह मैम, तो मैं ना आपके और भी बहुत सारे पर्सन से बात कराऊंगा, बहुत अच्छे वे से मैम आपने एक्सप्लेन किया, आपका कॉन्फिडेंस थैंक लेवल यू बढ़ा सो मैम बात करके। मच सर, यस सर बहुत बड़ा, मतलब लाइक पहली आप बारी एक की सोचो चीजें ना, अगले सारे। पर्सन अभी आप इतना सीखे नहीं हो, आपका फर्स्ट टाइम था, और फर्स्ट टाइम में बंदे ने क्या बोले, 1 साल। ओके बिल्कुल सर, सो थैंक यू मैम, मिलते हैं, बाकी आपको मैं आगे के लिंक ओके शेयर सर, करता हूँ, ठीक है जी। मानिक सर के यस वेबिनार के लिंक शेयर करता हूँ 9 PM के, अब वो अटेंड करें, ठीक है जी। बाकी 3-4 डेज में अपने लेवल डन करें, अब बाकी थोड़ी देर में मैं आपकी फिर से बात कराऊंगा। ओके, शाम को मैं ओके आपकी सर, फिर से फॉर बात श्योर, कराऊंगा, एक और लड़का यस है, वो भी, उसके भी बहुत सारे डाउट्स है, उसे ही बात कराऊंगा, ठीक है मैम। ओके मैम, ओके सर, बाय, थैंक बहुत अच्छा एक्सप्लेन यू। किया मैम आपने, थैंक यू सो मच। सो गाइस, इस वे से आपको इस स्ट्रेटजी को यूज करना है अपने अपने उन प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर जिन्हें 2 CC प्लान मिल चुका है, एंड होगा क्या रियलिटी बताओ, इस स्ट्रेटजी से आपका जो पर्सन है उसका कॉन्फिडेंस लेवल सच में इतना हाई हो जाएगा ना, इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि वो आने वाले टाइम में मैनेजर भी बनेगा, असिस्टेंट मैनेजर भी बनेगा, सीनियर मैनेजर भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। और इसी स्ट्रेटजी की वजह से शायद आप जो वीडियो देख रहे हैं अभी राइट नाउ, आप भी शायद इसी स्ट्रेटजी की वजह से यहाँ पे टिके हुए हो, नहीं तो आप भी, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से वो किक ना बजती, अंदर से वो पुशअप ना होता, शायद आप आज यहाँ पे सिस्टम का पार्ट ना होते। सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो? ओके सो थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को बार बार देखें, इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुने, इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखें, एंड नीचे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक जरूर करें, तो बाकी अच्छे से इस स्ट्रेटजी को समझें, ठीक है जी। एंड इसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप 6 CC क्या 600 CC भी कर सकते हो। ओके सो ऑल द बेस्ट।